वो है सामने अनदर फ्लाइट शायद, जिससे हम नेक्स्ट दिल्ली तक जाएंगे, क्योंकि ये अब यहाँ पे हम फ्लाइट से बाहर निकल चुके हैं और ये है हमारा बहरीन में स्टे फॉर 3 आवर्स। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर दिल्ली। थैंक यू सो मच। ये देखते हैं, सुना है कि बहरीन का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही सुंदर है। ये देखो, ये नीचे कारपेट है, ये फ्लोर नहीं, ये है हमारे पास कारपेट। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, चलने में भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेट्स सी, अब जो ब्रेक होगा इसमें थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे और उसके बाद यहाँ के एयरपोर्ट पे सब विजिट करेंगे, देखेंगे क्या है इसका व्यू। अभी टाइम हो चुका है 6:30। लाइटनिंग देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल दिन वाली फीलिंग आ रही है, जैसे अभी डे टाइम। चलने की भी जरूरत ही नहीं है, वो भी टेंशन खत्म। Just stay on it. It will move by itself. वो रहे हम, चलते जाओ चलते जाओ। क्या करे, भी आ चुके हैं हम बहरीन एयरपोर्ट पे। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, सच में मतलब एक अमेजिंग सा देखने में लग रहा है, अच्छा सा। यहाँ पे लाइटनिंग इंजाम अच्छा है। और एक बहुत अलग सी चीज़ यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ का जो एयरपोर्ट का वाईफाई है वो फ्री है, बट जस्ट ओनली फॉर 6 आवर्स। आफ्टर दैट सर्विस विल बी पेड, सो वी नीड दिस वन जस्ट फॉर 3 आवर्स। सो हमें इससे क्या लेना, हमारे तो 3 आवर्स की जो स्टे है, 3 घंटे की स्टे है जस्ट। तो उसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने दिल्ली के लिए। सो अभी आगे जा रहे हैं, देखते हैं वेटिंग एरिया में जाएंगे या फिर दोबारा से सिक्योरिटी से हमें जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी। ये है बहरीन, देखो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने स्पेशल प्लेस भी बना रखा है, छोटा क्यूट सा बच्चा खेल रहा है। देखते हैं अगर कुछ अलग देखने को मिला यहाँ पे। ¿Cómo lo hace ya?
ਦੋ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆ ਪਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਊਟੀ 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 ਆਫ ਬਹਿਰੀਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਉੱਪਰ ਕਾ ਵਿਊ ਵਾਓ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ। कितना प्यारा कैफे है देखो। सच में इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ का, हर एक चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, घूमने में भी मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और बाकी आपको मैंने इस में पूरी वीडियो में एयरपोर्ट के बहुत सारे व्यू को कवर किया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इट्स टाइम टू टेक फ्लाइट फॉर दिल्ली, होपफुली वी आर गोइंग फॉर आवर प्लेन। सो फाइनली हम अपने बहरीन टू न्यू दिल्ली, सो फाइनली वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और फाइनली 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 आफ्टर 4.5 hours वी विल बी इन दिल्ली इन आवर ओन कंट्री। सो लेट्स सी यू इन इंडिया। ओके बाय बाय। दिखाना जरूरी है कि हेलो सर, सीट नंबर किधर है? 24B। सो वी आर लुकिंग फॉर आवर सीट। हेलो उम्मीद करते हैं कि हमें विंडो सीट मिल जाए। थैंक यू। फाइनली मुझे विंडो सीट मिल गई। फाइनली मुझे विंडो सीट मिल गई एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि यहाँ से मैं बाहर का व्यू रिकॉर्ड करूँगी। और सो ये है विंडो से यहाँ के बाहर का व्यू। ये एयरप्लेन खड़े हुए यहाँ पे, लोग अपना काम कर रहे हैं। तो जब एयरप्लेन हमारा फ्लाई करेगा फिर हम बाहर का व्यू रिकॉर्ड करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि नाइट टाइम में बाहर से फ्लाइट से बाहर का व्यू कैसा होता है।
बहरीन का व्यू इतना मस्त। बाय बाय कल फेयर, वी आर लिविंग यू हेयर अलोन, वी आर गोइंग टू आवर होम, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर गुड सर्विस, वेलकम। यहाँ जैसे सच में जो दिल्ली की स्मेल हो, अपनी दिल्ली की स्मेल यहाँ से आ रही है। ये है हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, इट्स आल्सो अ गुड एरिया। वेलकम टू इंडिया, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये देखो पीछे का एरिया, ये है हमारा एयरपोर्ट। इस रिलीजियस प्लेस, you can see the beauty of a religious place in India. All these are army men here. ये हमारे आर्मी वाले। This side we need to go now. Final checking in India.